हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। शायद आपने वो कहानी पढ़ी भी होगी जिसका नाम है मछली और मेंढक की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी के साथ फिर से। फिश एंड फ्रॉग मोटिवेशनल स्टोरी, मछली और मेंढक की कहानी। एक मछली और एक मेंढक की सोच। कुएं में एक मेंढक रहता था। उसने सिर्फ यही दुनिया देखी थी और आकाश भी उतना ही देखा था जितना कुएं में दिखता है, इसीलिए उसकी सोच का दायरा इतना ही था। अचानक एक दिन नीचे से पानी में कहीं से एक मछली आ गई। नीचे के रास्ते से एक समुद्री मछली वहां आ गई। तभी उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। मछली ने पूछा, क्या तुम्हें पता समुद्र कितना बड़ा है? मेंढक ने कहा, हाँ, और एक छलांग लगा दी और बोला, इतना बड़ा? मछली बोली, नहीं कि बहुत बड़ा है। मेंढक ने फिर एक किनारे से आधे किनारे तक छलांग लगा दी, फिर बोला कि इतना बड़ा होगा। तभी मछली बोली, नहीं कि बहुत बड़ा है। अब कि मेंढक ने अपने पूरा जोर लगाते हुए एक सिरे से दूसरे तक पूरी छलांग मारी और बोला, इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तब ही फिर से मछली बोली कि नहीं, इससे भी बड़ा है। मछली बोली, इससे भी बहुत बड़ा है। मेंढक को विश्वास नहीं हुआ और बोला कि सोचने लगा, मछली झूठ बोल रही है, इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन उन दोनों की सोच में फर्क था। मछली की सोच अपने माहौल के हिसाब से थी और मेंढक की सोच उसके माहौल के हिसाब से थी। मेंढक की सोच जिस वातावरण में वह रहता था ठीक उसी प्रकार की थी। रियल लाइफ में भी ऐसा ही तो होता है दोस्तों। जिस माहौल में हम रहते हैं हमको लगता है यही जीवन की सच्चाई है, लेकिन हम गलत हैं। लेकिन हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा और मछली की बात से सीखना होगा। और अगर ये सीख हम अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन हमारी सोच का दायरा बढ़ने के साथ साथ हम भी खुद आगे बढ़ते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें।